बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम औलाद नदीना का नहायत ही आसान सा अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि वह हजरात के जिनके यहाँ बेटियाँ ही बेटियाँ पैदा हुई, वो चाहते हैं कि आपके बेटा पैदा हो। तो आज की इस वीडियो में एक अमल आपको बताने जा रहे हैं कि जिसके करने से इंशाअल्लाह सबजल्ला आपके यहाँ बेटा पैदा होगा। और एक बात याद रखिएगा, बेटियाँ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत होती हैं और बेटियों के होने से दिल अपना रंजीदा ना किया करें, दिल बर्दाश्त ना हुआ करें। अगर बेटियाँ भी हो रही हैं तो इसमें अल्लाह तबारक व ताला ने आपके लिए भलाई ही रखी है। तो बहरहाल हम अपनी तरफ से वज़ाइफ़ कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, आगे जो हमारे हक में है वो हमें मिलेगा, अब वो बेटा हो या बेटी हो। तो बहरहाल आपको अमल ये करना है कि जब आपकी जौजा का हमल का पहला महीना हो, जो पहला माह हो, तो उसमें आपने अमल करना है कि अपनी जौजा के सीधी जानिब आपने 54 मरतबा यानी 54 मरतबा आपने लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु। ये आपने सीधी जानिब, यह पसली है आपकी जौजा के, तो उसके सीधी जानिब आपने 54 मरतबा लिखना है। यह आपने स्याही से नहीं लिखना, इंक से नहीं लिखना, सिर्फ आपने शहादत की उंगली के इशारे से ऐसे करके लिख लेना है। 54 मरतबा लिखे इंशाअल्लाह सुब्हानअल्लाह, ये अमल करने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको औलाद नदीना अता फरमाएगा और इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम पर अपना फजल करम रखे, तमाम को औलाद नदीना अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।